बक्सर जिले के उत्पाद विभाग की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जहां देर रात वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर उत्तर प्रदेश से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तेजी से वीर कुंवर सिंह सेतु के समानांतर नए पुल पर पहुंची, जहां देर रात उत्पाद निरीक्षक सुरेश राम के द्वारा पुल पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो स्कॉर्पियो के गाड़ी के सीट के नीचे छुपाकर 55 पीस 750 ml के ब्रांडेड महंगी शराब बरामद किया गया। इस दौरान गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का 26 वर्षीय डब्लू कुमार के रूप में पहचान हुई है, जिसकी पुष्टि उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने की। इस पूरे मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक इस बारे में क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। मेरा चेक पोस्ट पर नियमित जांच चल रही थी। नियमित जांच के अंतर्गत एक काली रंग का स्कॉर्पियो जो उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर आ रहा था, शक के आधार पर उसको रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो भागने की कोशिश में था, लेकिन आगे वो उसको किसी प्रकार से रोका गया। जब उसको जांच किया गया तो उसमें करीब 55 बोतल शराब पाया गया। उसमें एक ड्राइवर जो डब्लू कुमार का है, जो समस्तीपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल नहीं वो उसके द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी और जांच चले और इसमें आगे कार्रवाई। शराब की खेप लेकर कहाँ जा रहा है? इसके द्वारा बोला गया कि हम टोल प्लाजा पर जाएंगे और वहाँ पर कोई व्यक्ति हमको वहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैंने टोल प्लाजा पर भी अपने निरीक्षक उत्पाद को भेजा, वहाँ पर कुछ आदमी को पकड़ा भी गया, पूछताछ किया गया, लेकिन वो उस व्यक्ति को ये पहचानने से इनकार कर दिया। सर उत्तर प्रदेश से आ रहा था? नहीं, उत्तर प्रदेश से आ रहा था। उत्तर प्रदेश बिहार में तो नया ब्रिज के पास, हाँ, नया ऊपर वाले ब्रिज से, नया ब्रिज से पकड़ा गया है।